टू माई चैनल। आज मैं आपसे कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स डिस्कस करूँगी जो आपके प्लांट्स, आपके पौधे को थ्राइव करने के लिए एंड आपको एक प्लांट एक्सपर्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मिट्टी की गुड़ाई के बारे में, जिसे हम सॉइल टिलिंग कहते हैं। सॉइल टिलिंग या मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आपको आपके पौधे के ऊपर के लेयर को लूज करना होगा, जिससे आपके जो रूट्स हैं उससे अच्छे से ऑक्सीजन मिले एंड वो अच्छे से फैल सके। प्लस मिट्टी की रेगुलर गुड़ाई करने से आपके प्लांट्स पेस्ट से भी बचते हैं। दूसरी ज़रूरी बात जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है प्रूनिंग। वो पौधे जो क्लाइंबर की तरह चढ़ते हैं, जैसे कि मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रॉन्स, पोथोस, ये सब पौधे को रेगुलरली टाइम टू टाइम आपको टिप से क्लिप करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपका जो पौधा है वो बीच से नए ब्रांचेस शूट करेगा, जिसकी वजह से आपका पौधा घना लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो इसीलिए रेगुलरली टाइम टू टाइम आपको अपने पौधे की टिप से कटिंग करनी ज़रूरी है। हालांकि कुछ पौधे जैसे कि रबर प्लांट, फिग, इनको आप यहाँ टिप से काट सकते हैं। मैंने इन्हें नहीं काटा है क्योंकि मुझे ये लंबे नहीं चाहिए, बट आप अगर इसे यहाँ टिप से काट देते हैं तो ये साइड से नए ब्रांचेस शूट करेंगे। ऐसा भी काफ़ी होता है कि आप देख रहे हैं कि आपके रबर प्लांट में या फिर लीफ में कोई ग्रोथ नहीं है, तब भी बहुत अच्छा तरीका है ये आपके पौधे के ग्रोथ को बूस्ट करने का। बस ऊपर से आप इतनी सी पार्ट काट दें एंड कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि नए शूट्स निकल रहे हैं। तीसरी बहुत ज़रूरी बात है कंपोस्ट। आप चाहें तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या घर में बनाए हुए कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर घर में बनाए हुए कंपोस्ट का यूज़ करती हूँ और उसे कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, जो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर आपके प्लांट्स गार्डन में लगे हुए हैं तो उसे रेगुलरली फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। 2.5 से 3 महीने में एक बार फर्टिलाइजर देना सफिशेंट होगा। लेकिन सिंस हम ज़्यादातर लोग आजकल पॉट्स में ग्रो करते हैं अपने पौधों को, ताकि हम उनके ग्रोथ कंट्रोल कर सकें, इस कारण हमें उसे रेगुलर फर्टिलाइजिंग देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम किसी भी पौधे को पानी देते हैं तो नीचे से उसके जो ड्रेनेज होल है उससे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी रीच आउट हो जाते हैं एंड आपके प्लांट्स बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट कर देते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर 20 से 25 दिन में एक बार अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज ज़रूर करें। मैं अपने हाउस प्लांट्स के लिए सीवीड सॉल्यूशन प्रेफर करती हूँ और अपने टेरेस गार्डन के लिए मैं यूजुअली कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। चौथी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है वो है वाटर। पानी की रिक्वायरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है आपके पौधे को थ्राइव करने के लिए। ऐसे भी बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती एंड ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि ये हम कैसे पता लगाएं कि हमारे प्लांट ओवर वाटर हो रहे हैं या अंडर वाटर हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है चेक करने के लिए, वो है कि आप अपनी फिंगर को ऐसे सॉइल में डालें एंड अगर आपके फिंगर में सॉइल चिपका रहता है, इसका मतलब आपका सॉइल वेट है, अभी इस मिट्टी में पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा करने पर देखते हैं कि मिट्टी आपकी उंगली पे नहीं चिपकी हुई, इसका मतलब आपके प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हालांकि ये उन्हीं पौधों के लिए है जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि वो एक्सेस वाटरिंग में नहीं चले जाए, बट प्लांट्स जैसे कि मॉन्स्टेरा, मनी प्लांट, फिडल लीफ, रबर प्लांट, ग्लोनिमा, ये सब प्लांट्स के लीव्स ब्रॉड होने के वजह से इनकी वाटर बहुत जल्दी लूज आउट कर जाती है। इसीलिए इनमें यूजुअली हर दिन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि इससे पहले कि आप जब भी अपने पौधों को पानी दें, एक बार सॉइल टेस्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्लांट वाटरिंग से नहीं मरते, ओवर वाटरिंग से मरते हैं या अंडर वाटरिंग से। तो पानी ने की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहा।
जरूर ट्राई करिए ये सब टिप्स को और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके लिए कितने सक्सेसफुल हुए. टिल देन टेक केयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग. बाय बाय.